नमस्कार दोस्तों दोस्तों अभी पिछली वेब सीरीज पर हुआ बवाल पूरी तरह थमा भी नहीं है लेकिन एक नया बवाल शुरू हो गया है वो भी एक वेब सीरीज पर वैसे तो आपको पता चल ही चुका होगा कि बॉम्बे बेगम नाम की एक वेब सीरीज पर एक नया बवाल मच चुका है ओ टी प्लेटफॉर्म पर बॉम्बे बेगम पर चाइल्ड एब्यूजिंग का आरोप लगा है इसमें आरोप लगाया गया है कि इस सीरीज़ में नाबालिग लड़कियों का गलत पिक्चराइजेशन किया गया है दरअसल वेब सीरीज में छोटी बच्चियों से ना सिर्फ गंदे डायलॉग बुलवाए गए हैं बल्कि सीरीज के अंदर प्रोस्टिट्यूशन को भी जायज़ ठहराया गया है नाबालिग बच्चियों को एल्कोहल लेते हुए दिखाया गया है ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया है और अपने शरीर को पैसों के बदले बेचते हुए भी दिखाया गया है सीरीज में साफ साफ कहा गया है कि सेक्स के बदले पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है ये एक बच्ची के डायलॉग है यानी छोटे बच्चों के दिमाग में जहर खोला जा रहा है कि पैसे के बदले सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी महिला दिवस के दिन इस सीरीज की लेखिका भी एक महिला है यानी जो राइटर है वो भी महिला है इसकी डायरेक्टर है वो भी एक महिला है और इसके जो मुख्य किरदार हैं उसको निभाने वाले जो पात्र हैं वो भी सारे के सारे महिलाएँ मुख्य किरदार निभाने वाली कलाकार है पूजा भट्ट डॉटर ऑफ महेश भट्ट ये अपनी सीरीज में बताना चाह रही है कि नशा करना और प्रोस्टिट्यूशन करना अच्छी बात है ये लोग धीरे धीरे हमारी आने वाली नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं जो टीनेजर इस सीरीज़ को देखेगा वो क्या सोचेगा कि प्रोस्टिट्यूशन करना जायज है ड्रग्स लेना जायज है ये अच्छी चीज़ें हैं और इन्हें करना एक स्टेटस सिंबल है और कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के बारे में नेगेटिव बातें मत किया करो क्या ये लोग पॉजिटिव बात करने के लायक काम करते हैं ये लोग जो हमें अपनी फिल्मों के जरिए बता रहे हैं कि मात्र तेरह साल की लड़की सेक्स कर रही है तो ये अच्छी बात है ड्रग्स ले रही है तो अच्छी बात है पैसों के बदले में सेक्स कर रही है तो और भी अच्छी बात है कौन अपनी बेटियों को इस तरह की शिक्षा देगा वैसे इस सीरीज पर एक गनीमत यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस वेब सीरीज पर कठोर आपत्ति उठाई है और नेटफ्लिक्स को एक नोटिस जारी किया है नोटिस यह है कि 24 घंटे के अंदर इस सीरीज को पूरी तरह से डिलीट किया जाए वरना लीगल कार्यवाही की जाएगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक जो है 24 घंटे पूरे हो चुके होंगे नोटिस में दिए गए अब देखना यह है कि फिर से पिछली बार की तरह लीपापोती होके रह जाएगी या कुछ कार्यवाही भी होगी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर जरूर सुनी होगी या कहीं पे पढ़ी होगी कि अश्लील कंटेंट के आरोप में तीन यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया था मुंबई के अंदर ना सिर्फ उनके चैनल डिलीट कर दिए गए बल्कि उन्हें गैर जमानती अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है यानी उनका जो अपराध है वो जमानती अपराध में नहीं आता है यूट्यूबर छोटे क्रिएटर थे तो उन्हें आसानी से एकदम उठा के जेल में डाल दिया गया और जब क्रिएटर बड़ा और पैसे वाला है तो ये कानून उसके आगे दो मिलाता है क्या छोटी बच्ची के द्वारा सेक्स सीन फिल्माए गए या उसे ड्रग्स लेते दिखाया गया क्या ये अश्लीलता नहीं है लेकिन इस देश का कानून अंधा ही नहीं लंगड़ा लूला और अपाहिज भी है तैयार रहिए दोस्तों अगले कुछ दिन आपको इस सीरीज पर ड्रामा देखने को मिलने वाला है और परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस अश्लीलता भरी सीरीज को बनाने वाले जेल जाएंगे या हर बार की तरह पैसे वालों के सामने हमारा कानून रेंगता हुआ नजर आएगा